शादी का झांसा देकर के अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो क्या ये रेप की कैटेगरी में आएगा, बलात्कार समझा जाएगा या नहीं? इसके पहले मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बताया था जहां पर मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पिनल कोड के बारे में बताया था। इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए इस पूरे वीडियो में आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट और जो अलग अलग ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग केस हैं, लोगों के जो रुझान रहते हैं और किस प्रकार की प्रकृति के केसेस वहां पर जाते हैं, उसी से संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि शादी का झांसा या प्रॉमिस करते हुए और शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में जो लड़की रेप का केस रजिस्टर कर देती है उसी से संबंधित है। कुछ जगह पर रेप माना गया, कुछ जगह पर नहीं, अलग अलग केसेस हैं। जरा समझते हैं उसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम लोग मद्रास हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट दर पे टॉपिक में दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की बात करना बहुत जरूरी है। 2012 में दिल्ली हाईकोर्ट और 2014 में मद्रास हाईकोर्ट, जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि अनैतिक जरूर हो सकता है लेकिन शारीरिक संबंध शादी के पहले बना लेना ये किसी भी तरीके से रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर दोनों की कंसेंट है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर मान भी लिया कि लड़के ने झांसा दिया या झूठ बोला शादी के लिए तो ये तो चीटिंग हो गई और यहाँ पे धारा 417 इंडियन पिनल कोड एड्रेस करेगी, लेकिन शादी के लिए कहना और फिर शारीरिक संबंध बनाना ये एक तरीके से आप चीटिंग की कैटेगरी में लेके आ सकते हो, बट इट डज नॉट अमाउंट टू रेप। अब अगला एक महत्वपूर्ण जो जजमेंट है दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जहां पर लड़का लड़की दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात आई तो उन्होंने ये पाया कि 19 साल लड़के की उम्र थी और क्योंकि उनकी शादी उस वक्त दोनों का कास्ट अलग अलग था और कास्ट अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों का प्रेम संबंध था, लड़की ने FIR दर्ज कर दी, बलात्कार का केस रजिस्टर कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ट्रायल में यह पाया गया कि दोनों का रिलीजन अलग अलग था जिसकी वजह से लड़का चाह करके भी लड़की से शादी नहीं कर पाया और इसे रेप की कैटेगरी में कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया। एक दूसरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नौशाद का, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात आई तो उन्होंने केस को समझा और ये पाया कि जो नौशाद नाम का जो व्यक्ति था वो महिला के साथ लगातार दो साल का वक्त बिता चुका है और 2 साल के बीच में उनके बीच जो शारीरिक संबंध हुए उन शारीरिक संबंध के बाद दोनों के शारीरिक संबंध के बाद लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई और वो छोड़कर के भाग गया। इस कंडीशन पर कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन निकाला और सेक्शन 92 कंसेंट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया ये कहते हुए कि यहां पर लड़की को ये एप्रिहेंशन था, ये मिसकंसेप्शन था कि लड़का उसका साथ छोड़कर के नहीं जाएगा क्योंकि ये लगातार 2 साल का लिविंग रिलेशन था और अचानक से लड़का उसे छोड़कर के चला जाता है। इसके पहले कि उसने लड़की को कई बार कहा था कि वो शादी करेगा बट उसने ऐसा नहीं किया और इसे कंसीडर किया गया रेप में और 376 के अंतर्गत पनिशमेंट मिला। दूसरा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जुलाई 2013 में पास किया गया, ये मनीष मधुसूदन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो जो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ये जुलाई 2013 में आया और मनीष मधुसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में ये देखा गया कि लड़का लड़की दोनों 2013 के ड्यूरेशन में साथ साथ रह रहे थे और साथ साथ रहते हुए दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने। लड़की भी वेल क्वालिफाइड थी, लड़का भी वेल क्वालिफाइड था, लड़की एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम कर रही थी और दोनों एडुकेटेड थे, काफी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दोनों साथ में रह रहे थे। तो इस कंडीशन पर हर एक बात को जहां पर दोनों साथ में रहे, दोनों के बीच में प्रेम संबंध रहे और इसे प्रॉमिस ऑफ मैरिज को कंसीडर करते हुए रेप की डेफिनेशन में आप कंक्लूड नहीं कर सकते और कोर्ट ने यह माना कि कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप था और 375 इंडियन पिनल कोड 376 IPC की धारा में वो नहीं आता है बीइंग अ कॉन्सेंशुअल और 90 जो IPC की धारा है उसके अंतर्गत ही कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप था, समझदार थे दोनों और उसे रेप की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया गया। गुजरात हाईकोर्ट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट संग्रह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात ध्यान में आता है,
जहां पर यह बताया गया कि शादी जो लड़के ने कहा था लड़की को शादी करने के लिए, उसमें यह कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से उनकी कास्ट डिफरेंट थी, शादी नहीं हो पाई। लड़का लड़की के घर जाता है अपनी शादी का कार्ड देने के लिए 10 मार्च 2012 को, और उसके 2-3 दिन के बाद यानी 13 मार्च 2012 को लड़की के परिवार वाले लड़के के खिलाफ में एक FIR दर्ज करा देते हैं जो कि रेप से संबंधित थी। कोर्ट इसे भी रेप का मामला नहीं मानती है और इसे कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप का मामला मानती है, और क्योंकि FIR भी शादी का कार्ड जब लड़का देने के लिए जाता है उसके 2 दिन के बाद दर्ज कराई गई थी, इसे भी ध्यान में रख करके कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप का मामला मानती है। और हर एक मैटर को जहां पर रिलेशनशिप शादी का प्रॉमिस करने से संबंधित होते हैं उसे रेप की कैटेगरी में रखा जाए, कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। एक वापस से महत्वपूर्ण जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का, राहुल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिसंबर 2014। अब इसमें यह बताया गया कि जो शादी हुई लड़की की उम्र 19 साल थी, लड़की की उम्र भी लगभग उसी समय की थी, तो लगभग 18-19 की वर्ष में की जब आयु थी तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुए, और रिलेशनशिप के बाद में दोनों की जो कम्युनिटी थी उनकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। शादी नहीं हो पाने की वजह से लड़की ने उसके खिलाफ में लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा दी रेप से संबंधित। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप थे, लेकिन क्योंकि दोनों की उम्र भी कम थी और लड़के का और लड़की का क्योंकि रिलीजन डिफरेंट था, इस वजह से इसे कोर्ट ने, बॉम्बे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेप का मामला नहीं माना। अगला जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का, राजीव पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे ब्रीच ऑफ प्रोमिस कैन नॉट अमाउंट टू रेप। मतलब हर जगह होता क्या है कि लड़का लड़की शादी के तौर पर ऐसे नहीं होता, शुरुआत में तो एक लव अफेयर में रहते हैं, दोनों के बीच में कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो इसे आप हर बात में ऐसा नहीं कह सकते कि जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया तो लड़की जाकर के पुलिस स्टेशन में FIR का केस दर्ज करा दे। इसकी एक बहुत ही बारीक परिधि है जिसे नापना बहुत जरूरी है। तो हर एक रिश्ते को जिसमें लड़का और लड़की किसी कारण से अलग हो जाए, दोनों के बीच मतभेद हो जाए, तो हर एक को अमाउंट टू रेप नहीं कंसीडर कर दिया जाएगा कि शादी का झांसा देकर के रेप की परिधि में लेके आएंगे। उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या शारीरिक रूप से शोषण हुआ है, आपको मिसकंसेप्शन में रख के आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड की गई है और उसके बाद जबरदस्ती आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। अगर ऐसा है तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में आएगा जो कि सेक्शन 90 IPC कवर करता है। आपको ये जानकारी, ये जजमेंट्स की डिटेल आपको कैसी लगी, आप ये सारे जजमेंट गूगल में सर्च कर सकते हैं जिससे आपको PDF और कंप्लीट डिटेल मिल सके। मैंने आपको इन शॉर्ट ब्रीफ बताया, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर भी इसी पर्पस के लिए दिया गया, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप बात करके सॉल्व कर सकें। हमेशा जो आप कीमती महत्वपूर्ण समय अपना मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।